हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 20 टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिनको जानने के बाद अगर वो ट्रेट आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो भी आपको अपने अंदर से उसको निकालना है, और अगर आपके आसपास दूसरे लोगों में आप नोटिस करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हम वीडियो को शुरू करेंगे, जानेंगे इन ट्रेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और ज़रूर पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में जानते हैं। एक है जजमेंटलनेस, एक आदत सी हो गई है हर बात में जजमेंट पास करने की, हर चीज़ को जज करने की, ओवर एनालाइज करने की। अगर कभी कभी ज़रूरत होती है तो सभी करते हैं, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और हैबिचुअल फॉर्म में हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और दूसरों की मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी तरीके से नेगेटिविटी, एक नेगेटिव एटीट्यूड ही डेवलप हो गया है, हर जगह बस कुछ कमियां ही दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं तो नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी पर्सन में भी है तो कुछ कमियां ही दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा नेगेटिव माइंडसेट, एक ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड जिसकी वजह से नेगेटिविटी ही मुँह से निकल रही है, नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव बात होती है तो उसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव बात होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से डिसऑनेस्टी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है किसी पॉजिटिव मैनिपुलेशन की भी, वहाँ पर भी बस छोटी या बड़ी किसी भी लेवल की एक बेईमानी सी करनी है, जो बात जैसी है वैसा नहीं बताना, घुमा फिरा कर बताना है, या किसी का भी कोई अगर अपने ज़रा से भी फायदे के लिए कुछ भी, किसी का भी नुकसान हो रहा है तो भी वो कर लें, किसी भी वे में डिसऑनेस्ट होना, चाहे वो झूठ बोलकर, किसी का काम बिगाड़ कर, कोई भी अननेसेसरी मैनिपुलेशन कर कर, अगर ऐसा है तो ये आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से रिजिडनेस, मतलब रिजिड हो गए हैं, अड़ गए हैं किसी बात पर, जिसमें कि थोड़ा फ्लैक्सीबल हुआ जा सकता है, इतना अड़ने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए रिजिड हो रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसा कि नहीं अब तो ये इज्जत का सवाल हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, जबकि हर इंसान को फ्लैक्सीबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिजिडनेस आप देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत होती है थोड़ा रिजिड होने की, जहाँ पर जेन्युइन रीज़न होते हैं, लेकिन अननेसेसरी भी आप रिजिडिटी अपने अंदर नोटिस करें या किसी के भी अंदर नोटिस करते हैं तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। इसी तरीके से लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी एक ब्यूटीफुल आर्ट है जिससे सामने वाले को समझा जाता है, हर इंसान ये तो चाहता है मुझे समझे, लेकिन दूसरों को समझने में सबको तकलीफ आती है। अगर आप बिल्कुल ही एम्पैथी नहीं रखते हैं किसी के लिए भी तो आपके रिश्ते हमेशा कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ आप सिर्फ अपना अपना सोचते हैं और दूसरों की फीलिंग्स के लिए बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं या अपने आसपास किसी में भी नोटिस करते हैं कि एम्पैथी में वो लैक करते हैं, तो समझ जाइए इससे आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह से रूडनेस, बात बात पर रूड हो जाना, मूड में एक रूखापन रहना, छिड़कर जवाब देना, है ना, सही टोन नहीं करना, फेस एक्सप्रेशंस बिगाड़ लेना, बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार करना, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है, सामने वाले का कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है या आप किसी के साथ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक टॉक्सिक ट्रेट है। लोग आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। इसी तरह से आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, आप देख रहे हैं कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आपके बढ़ते चले जाते हैं, जिन बातों पर इतना कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए लेकिन उनको स्ट्रेच किया जाता है, बात में से बात निकाली जा रही है, आर्ग्यूमेंट्स, और उन आर्ग्यूमेंट्स का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सोल्यूशन निकले या किसी कंक्लूजन पर पहुँचे, बस ये है कि आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मतलब विनिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई विन विन सिचुएशन को देखना, तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है। इसी तरह से पिकीनेस, बहुत ज़्यादा आप चूजी हैं लाइफ में, बहुत पिकी हैं, ठीक है हर इंसान को वाइज चॉइसेस करनी चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप खाने में भी पिकी हैं, कपड़े पहनने में भी पिकी हैं, बोलने चालने में, सोशल इवेंट्स में जाने में पिकी हैं, ये पिकीनेस आपको धीरे धीरे इतना फ्रस्ट्रेट कर देती है कि आप टॉक्सिक हो जाते हैं। इसी तरह से क्विक टू एंगर, आप बहुत जल्दी एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने और दूसरे सब के लिए खतरा हैं और लोग आपको टॉक्सिक कंसीडर करते हैं और आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।
इसी तरह से बॉसीनेस, बस बॉस का क्या होता है, कंट्रोलिंग नेचर। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, सबकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, अपनी लाइफ पे भी फुल कंट्रोल आप चाहते हैं, कोई भी आपकी लाइफ में ज़रा सा भी इंटरफेयर ना करे या दूसरों की लाइफ में आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना कि जैसे आप ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, एक भी पत्ता आपकी मर्ज़ी के बिना हिल नहीं सकता। ये बॉसीनेस वाला एटीट्यूड अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने अंदर देखते हैं तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है। इसी तरह से सेल्फ सेंटर्डनेस, बस मैं अपना ही अपना, मतलब कुछ सेल्फ पर फोकस्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे पर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस वाले जो लोग होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं। इसी तरह से एरोगेंस, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, अच्छे से ना कभी बात करेंगे, ना आपकी खुशी में खुश होंगे, कोई आप बात भी पूछेंगे तो आपको तड़क भड़क के या मूड के हिसाब से जवाब देंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलकर आपका कुछ मजाक उड़ाना, ये सब एरोगेंस जो होती है वो बिहेवियर में ये क्या है, टॉक्सिक ट्रेट है। इसी तरह से ग्रीडीनेस, लालचीपन, हर समय मुझे मिले, बस एक सेल्फिश एटीट्यूड, देना ना पड़े कभी किसी को, हर चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लालची, जैसे कहते हैं ना हापस बढ़ती जा रही है, वो अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं तो एक टॉक्सिक ट्रेट है, या किसी दूसरे के अंदर भी देखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडीनेस, थोड़ा बहुत तो ग्रीडी हर कोई हो सकता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं तो आप समझ जाइए ये एक टॉक्सिक ट्रेट है और जल्दी से इसको सुधार लीजिए, और या दूसरे में है तो डिस्कनेक्ट हो जाइए। स्नीकीनेस, यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके अंदर एक स्नीकी, एक सीक्रेटिव वो बिहेवियर होता है तो वहाँ पर आप क्या होते हैं, अपने जो भी कुछ आपके प्लान्स या कुछ होते हैं उसके लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं, जबकि इतना सीक्रेटिव होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना राज रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अननेसरी एक उसमें कि कोई मुझे कॉपी ना कर ले या किसी तरीके से कोई कमी ना निकाल दे, कुछ इस तरीके की सोच कर आप बिल्कुल ऐसे स्नीकी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट होता है, क्योंकि इतना सीक्रेटिव होने की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि कोई बहुत बड़े ऐसे पर्सनल इश्यूज ना हो तो। इसी तरह से थॉटलेसनेस, जहाँ पर आप जो है ना, मतलब किसी भी एक ऐसे उसमें रहते हैं जहाँ आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या है, मतलब आप बिल्कुल गुम रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, आपके अंदर जिस भी तरीके के थॉट्स चल रहे हैं ना आपके उसके लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ भी इन ऑप्शन आप बोल देते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी किसी की भी बात का इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, मतलब एक अजीब सी एक ऐसी स्टेट में गुम सुम सी, खोई खोई बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोल देंगे, या तो कहीं गुम गुम से रहेंगे, ये सब भी क्या है, अपने ही एक थॉट प्रोसेस के लूप में फंसे रहने वाले लोग धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रप्टिवनेस, मतलब अपने किसी भी उसके लिए दूसरे को हार्म कर सकते हैं, मतलब दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई हॉस्टल में दो लोग पार्टनर हैं, किसी एक का कोई कुछ असाइनमेंट है, उसको उसकी परवाह किए बिना जैसे एकदम से लाउड म्यूज़िक प्ले कर देना, ये क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, अननेसेसरी दूसरे को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, तो आप भी ख़राब होते हैं और दूसरे को भी ख़राब करते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रेड देखें तो समझ जाइए ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो हमेशा उसे अवॉइड कर देते हैं, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस ही फील नहीं करना, या फिर दूसरे को मतलब ऐसे कि हाँ मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर लो, अलाउ कर देना, मतलब बिल्कुल ही अपने आप को पैसिव जोन में चले जाना, मतलब किसी भी चीज़ का कन्फ्रंट ना करना और बस दुखड़ा सर होते रहना, अपने आप को बेचारा समझना, ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट ही होती है। इसी तरीके से इम्पल्सिवनेस, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज़ में इमोशन से ही बस घिरे रहते हैं, जैसे इनसे ज़्यादा दुखी आत्मा कोई है ही नहीं, और उसी दुखी आत्मा का रोना रोते रहना और अपने इमोशन से, अपने मूड स्विंग से डील करना, और यही नहीं पता, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कि क्या इनको हुआ है, वास्तविकता क्या है, क्या इनके इमोशंस बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, तो इतना इम्पल्सिव बिहेवियर है अगर, तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट होता है। इसी तरीके से लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर ही नहीं है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, मतलब क्या हुआ एक्चुअल में जो हर्ट कर रहा है, क्या हुआ, किस बात से ऐसा सोचने में मजबूर हो गए हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोई अता पता नहीं है, गुमनाम टाइप की ज़िंदगी है इनकी, कुछ नहीं पता कहाँ कैसे बहे जा रहे हैं बस फ्लो में, तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट होता है। इसी तरह से लेज़ीनेस, बहुत ज़्यादा आलस,
आलस आपका एक ऐसा सुख है जो आपकी ज़िंदगी को दुखी दुख से भर देता है। वो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में पूरा जीवन कष्टकारी बना देता है। तो लेज़ीनेस भी एक टॉक्सिक ट्रेट में ही आता है, क्योंकि जब भी आप इतना ज़्यादा लेज़ी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचता है। तो उम्मीद करती हूँ ये 20 ट्रेट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप में अगर इनमें से कोई भी ट्रेट आपको नज़र आ रही है तो जितना जल्दी पीछा छुड़ा सकते हैं उसे छुड़ा लीजिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसी ट्रेट्स एक या मल्टीपल लेकर घूम रहे हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको सफ़र करा कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि टॉक्सिक लोगों से बचना ही अच्छा है। आप अननेसरी, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं दीवार जैसे, आप दीवार में जाकर सर मारेंगे तो फिर आप ही का सर फूटेगा, दीवार का कुछ खास बिगड़ता नहीं है। तो जो भी लोग टॉक्सिक ट्रेट्स अपने अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं फिर वो आसानी से उनको छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे बदलनी है, क्योंकि जब वो खुद सोच लेगा पर्सन तो वो बदल सकता है, दूसरा उसे कितनी भी रियलाइज़ कराने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बदलेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोगों से अगर आपने अपना पीछा छुड़ाया है, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर किया है, तो अपनी हीलिंग जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए। talktodrkashika@gmail.com पर आप हमें अपनी जर्नी लिख भेजिए, आपका क्या केस था, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको मौका मिलेगा मेरे साथ एक जूम सेशन करने का, जिसमें आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे और उसे सोशल अवेयरनेस पर्पस से हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे, ताकि आपके शेयर करने से अपनी जर्नी को लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाए और लोग अपनी मदद करें और घर बैठे ही फ्री में ठीक हो जाएं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।